गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स, और इस कड़ी में आज हम आप सभी के सामने छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स जो हमने कल डील किया था उस पर बेस एमसीक्यू सीरीज आज लेकर के हम आए हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा, आप अपनी अपनी कॉपीज अपने पास में रेडी रखेंगे या फिर आप अपने हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज करेंगे और हर सवाल का जवाब साथ में देते चलेंगे ताकि अंतिम में हम अपना स्व मूल्यांकन कर सकें, है ना, स्व अवलोकन या स्व मूल्यांकन हम कर सकें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें कितना समझ में आ रहा है, कितना हमारी मेमोरी में वो एस्टैब्लिश हो पा रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन रहेगा, विच टीम वॉन द छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग 2024? छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग 2024 किस टीम ने जीता है, है ना। तो हाल ही में हमें पता है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग का आयोजन किया गया था, जो इसका तृतीय संस्करण था, थर्ड एडिशन था, और इसमें कुल मिलाकर के 8 टीमों ने भाग लिया था। आप लोगों से सवाल किया गया है, विच टीम वॉन द छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग 2024, यानी कि इसका फाइनल मुकाबला हो चुका है और यहां से हमारे पास में विजेता टीम भी सामने आ चुकी है, हमने कल देखा है। हमें बताना है इनमें से कौन सी टीम ने वो जो आपका थर्ड एडिशन है इसे जीता है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका मुंगेली हरिकेन पैशंस, बी है कवर्धा सुपर किंग्स, सी है भिलाई स्टीलर्स, या फिर डी बजरंग फाइटर्स। पिछले बार हमने जो हमारा एमसीक्यू सीरीज डील किया था उसमें हमने अपना फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश की थी, आप लोगों को वीडियो में क्वेश्चन बता करके अगले वीडियो में उसका जवाब देने का हमने क्या किया था, एक फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश की थी, जो हमारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे हम उसके वापस ले रहे हैं। हम करंट अफेयर्स डील करेंगे और साथ साथ में ही क्या करते चलेंगे, इसका जवाब भी आप लोगों को देते चलेंगे, है ना। तो ए मुंगेली हरिकेन पैशंस, या फिर बी कवर्धा सुपर किंग्स, सी भिलाई स्टीलर्स, या फिर डी बजरंग फाइटर्स। तो यहां से आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी कवर्धा सुपर किंग्स। कवर्धा सुपर किंग्स ने छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीत लिया है। आप लोगों से सवाल ऐसा भी पूछ सकता है, मुंगेली हरिकेन्स, कवर्धा सुपर किंग्स, भिलाई स्टीलर्स नामक जो टीमें हैं ये छत्तीसगढ़ के किस खेल से संबंधित है? क्या ये छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग जो हाल ही में आयोजित कराया जा रहा है उसकी टीम्स हैं? क्या ये छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की टीम्स हैं? क्या ये छत्तीसगढ़ की कबड्डी लीग की टीम्स हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव? इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विद द सीट्स दे वॉन इन इलेक्शन ऑफ 2024। ये हम जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आम चुनाव की बात कर रहे हैं। हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में क्या हुए हैं, 18वीं लोकसभा के लिए, 18th लोकसभा के लिए आम चुनाव कराए गए हैं। 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कराए गए हैं, उसमें से आप लोगों को बताना है छत्तीसगढ़ के ये जो विजित हमारे संसद हैं, सांसद हैं, ये कौन कौन से क्षेत्रों से विजित होकर के क्या होंगे, भारत के संसद भवन में हमारा नेतृत्व करेंगे। इसे आप मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। एक तरफ आपको दिए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ब्रिजमोहन अग्रवाल, तोखन साहू, सी है आपकी ज्योत्सना महंत, और डी है भोजराज नाग। दूसरे तरफ उनके सीट दिए हुए हैं बिलासपुर, कोरबा, कांकेर और रायपुर। यहां पर आपके पास में ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन ए बी सी डी, और आप लोगों को ऑप्शन को मैच करना है। तो हमें पता है जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं ये रायपुर के जो लोकसभा सीट है यहां से सर्वाधिक मतों से क्या हुए हैं, विजित हुए हैं। सर्वाधिक मतों के अंतर से यानी कि वोटों के मार्जिन से जीते हैं कौन, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, तो ये रायपुर के हो जाएंगे। और साथ में इन्होंने जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी क्या किया था, सर्वाधिक वोटों के मार्जिन से ही विधानसभा का चुनाव भी जीता था और हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री बन चुके हैं ये। अब ये मंत्री पद से और साथ में छत्तीसगढ़ की विधायिका से जब इस्तीफा देंगे तब ये क्या हो जाएंगे, संसद के एक क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। और उसी प्रकार हमको पता है जो न्यूनतम मार्जिन से जीतने वाले हैं वो है भोजराज नाग, और ये जीते हैं कहां से, कांकेर से। तो अगर हमको सभी नहीं पता है, अगर हमको दो ऑप्शन भी पता है तो क्या हम इसे ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से बना सकते हैं, देखते हैं। ए का ऑप्शन नंबर 4 कितने जगह में है, सब में है ऑप्शन नंबर ए का 4, ये इतना कॉमन फैक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, हमने दूसरा मैच किया भोजराज नाग को कहां से,
कांकेर से, तो डी का थ्री, डी का थ्री यानी कि वन और फोर में ही है केवल, तो ये दोनों हमारे पास में ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट। अब हमारे पास में दो बज गए हैं, तोखन साहू और ज्योत्सना महंत। हम सभी को पता होगा तोखन साहू जी जो हैं इन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया है, किसमें, मंत्रिमंडल में, नरेंद्र मोदी के। और ये कहां से हैं, बिलासपुर से हैं। तो हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन बी का वन हमें कहीं पे मिल रहा है, और ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहां से हमारा क्या हो जाता है आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। वही चीज आपकी हिंदी में है, तो ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा आंसर, यानी कि बृजमोहन अग्रवाल रायपुर, तोखन साहू बिलासपुर से, ज्योत्सना महंत कोरबा से, और भोजराज नाथ जो है ये कहां से, कांकेर से हमारे विजित होकर के सांसद बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में श्री तोखन साहू को भारत सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के श्री तोखन साहू जी को भारत सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है, उनका पद क्या है या फिर वो कौन से मंत्री हैं, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। मिस्टर तोखन साहू फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिज पोजीशन इज, क्या वो एक कैबिनेट मंत्री हैं, क्या वो एक राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, क्या वो स्टेट मिनिस्टर हैं यानी कि राज्य मंत्री हैं, क्या ये डिप्टी मंत्री हैं, इनका इसका आप लोग जवाब देंगे। हमने कल ही देखा है जो मंत्रिमंडल होता है या फिर मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद ये जो होता है इसको हम इंग्लिश बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये चार प्रकार के मंत्री होते हैं इसमें, है ना, यही चारों जो लिखे हुए हैं, कैबिनेट, फिर स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले रहते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, फिर एक और स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और फाइनली होते हैं एक क्या, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इनके रैंक के हिसाब से, इनके दायित्वों के हिसाब से ये बढ़ते से घटते क्रम में इनको क्या किया जा सकता है, जमाया जा सकता है, है ना। और जो कैबिनेट है इसे हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं, मंत्रिमंडल, कैबिनेट। तो आप लोगों को जवाब देना है तोखन साहू जो है ये कौन से मिनिस्टर बनाए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज बनाए गए हैं, स्टेट मिनिस्टर बनाए गए हैं या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर बनाए गए हैं। इस जवाब के साथ साथ आप लोग हमें ये भी जवाब देंगे, कैबिनेट जो शब्द है ये पूरे भारतीय संविधान में केवल एक जगह पर इसका उल्लेख मिलता है, किसका, कैबिनेट का या फिर मंत्रिमंडल का। आप लोगों को हमें ये बताना है ये मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या फिर किस आपके जगह पर इसका क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है, केवल एक जगह मिलता है ये भारतीय संविधान के आपके उल्लेख इसका, किसका, मंत्रिमंडल का। तो यहां से आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, यानी कि तोखन साहू जो है उन्हें क्या बनाया गया है, राज्य मंत्री बनाया गया है, और इन्हें अटैच कराया गया है किनके साथ में, एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में, जिनके बारे में हम आगे देखते हैं। इनका जो मंत्रालय है वो कौन सा है, आवास एवं नगरीय प्रशासन का इनका क्या है, नगरीय विकास मंत्रालय में इनको अटैच किया गया है राज्य मंत्री के रूप में। एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है इसके अंडर में, और इसके एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके अंडर में काम करेंगे कौन, हमारे श्री तोखन साहू जी। Who is the cabinet minister for Ministry of Housing and Urban Affairs? वही जो अभी हम पिछले में क्वेश्चन में बात कर रहे थे, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर ए शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी जेपी नड्डा, ऑप्शन नंबर सी नितिन गडकरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मनोहर लाल। इनमें से कौन है वो, ये जो व्यक्ति है ये कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, और इन्हीं को, इन्हीं के ही अंडर में काम करेंगे कौन, मिस्टर तोखन साहू, जिनको क्या बनाया गया है, स्टेट मिनिस्टर। राज्य मंत्री ए शिवराज सिंह चौहान, बी जेपी नड्डा, सी नितिन गडकरी या फिर डी मनोहर लाल। तो इसका आंसर आप लोगों के पास में हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मनोहर लाल। तो मनोहर लाल वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है। कौन सी मंत्रालय के मिनिस्टर हैं ये है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि शहरी मामले एवं आवासीय
मामलों का जो मंत्रालय है उसके कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके अंडर में जो हमारे तोखन साहू जी हैं वो काम करेंगे किस रूप में, एक राज्य मंत्री के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मानव अंग प्रत्यारोपण नियम किस वर्ष में अपनाया गया था। छत्तीसगढ़ ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन रूल वर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ इन विच ईयर। ऑप्शन नंबर ए 2014, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2016 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2017। छत्तीसगढ़ मानव अंग प्रत्यारोपण नियम की बात की जा रही है, रूल्स की बात की जा रही है। हमको मालूम है हमारे छत्तीसगढ़ में जो अंग दान का पूरा एक क्या है कार्यक्रम चलता है, हमारे देश के ही हमने उसको क्या कर लिया है, अलाइन कर लिया है। और हमारे पास में दो चीजें हैं, एक लेजिस्लेचर द्वारा क्या किया गया है, विधायिका द्वारा, विधायिका से पारित करा करके एक अधिनियम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इंडियन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांटेशन एक्ट या फिर भारतीय मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, और ये होता है आपका 1994 में, 1994 में लागू किया गया था। और इसी को ही छत्तीसगढ़ ने यथावत क्या कर लिया, हमारी विधायिका से पारित कर लिया। तो वो हमारी जो विधायिका से पारित हुई थी उसे हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ अंग मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के नाम से ही हम जानते हैं उसे। इसके बाद में सन 2000 किसमें एक विधायिका द्वारा तो ये हो गया, एक कार्यपालिका द्वारा फिर से क्या किया गया, एक नियम बनाया गया। एग्जीक्यूटिव विंग जो है इसने क्या किया, रूल एडॉप्ट किया, और ये इसने किया सन 2014 में। तो ये आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सन 2014, यानी कि सन 2014 में भारतीय सरकार द्वारा भारतीय मानव अंग प्रत्यारोपण नियम लागू किया गया था, अपनाया गया था। उसके बिल्कुल समक्ष ही, समकालीन ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी 2014 से ही क्या कर लिया गया, छत्तीसगढ़ मानव अंग प्रत्यारोपण नियम 2014 से इसे पूरी तरह से मापदंडों से घेर दिया गया है ना। तो ये हो जाएगा हमारा जवाब। अब आप लोग हमें ये बताएंगे क्या आप लोगों को ये विधायिका और कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अगर विधायिका और कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं होगा दोनों ही स्तरों पर, केंद्र सरकार के स्तर पर भी और राज्य सरकार के स्तर पर भी, तो इसके लिए आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो एक अलग से इनके ऊपर हमारे जो पॉलिटी वाले सर होंगे वो इसके ऊपर वीडियो ले लेंगे, या फिर जैसा भी बन पाएगा आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। आगे चलते हैं, सुश्रुत योजना किससे संबंधित है, सुश्रुत स्कीम इज रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए यूपीएससी कोचिंग, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नीट कोचिंग, ऑप्शन नंबर सी गूंगे और मुखबधिर, गूंगे लिखने से अच्छा यहां पर मुखबधिर छात्रों के लिए, मुखबधिर छात्रों के लिए शिक्षण और अध्ययन की सुविधाएं मुहैया कराने से संबंधित है ये सुश्रुत योजना। सन 2023 में साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड, SECL माफ कीजिएगा, साउथ ईस्ट कोल्डफील्ड लिमिटेड द्वारा ये सुश्रुत योजना चालू की गई थी। और इसमें आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र होते हैं उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई है, आवासीय कोचिंग की, रेसिडेंशियल कोचिंग की। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहां पर क्या है, कोचिंग तो है इकोनॉमिकली वीकल स्टूडेंट्स के लिए भी, तो क्या ये यूपीएससी की है या फिर ये नीट की है, यहां से आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीट कोचिंग, जो नीट कोचिंग होती है उसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं, जो कोयला प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं जहां पर कोयले की माइनिंग होती है, उसके कारण वहां के क्या हो गए हैं, जितने भी आदिवासी समाज के बच्चे हैं, जितने भी गरीब तबके के बच्चे हैं, जो लोग उससे
कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए हैं कोयले की माइनिंग से, उनको टारगेट करके SECL ने क्या किया है, नीट की तैयारी उनको कराने के लिए सुश्रुत योजना लागू की है सन 2023 से। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में निम्न में से किसने अधिकतम और न्यूनतम वोट दर्ज किया है, यहां पर किस जिले ने आएगा या फिर किस लोकसभा सीट, लोकसभा सीट में अधिकतम और न्यूनतम वोट दर्ज किए गए, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम वोट्स कौन कौन से लोकसभा सीट्स में पड़े हैं, इसका आप लोगों को जवाब देना है। कल हमने इसे देख लिया है। ऑप्शन नंबर ए सरगुजा और बिलासपुर, मतलब सरगुजा में सर्वाधिक, बिलासपुर में सबसे कम। ऑप्शन नंबर बी सरगुजा में सर्वाधिक, बस्तर में सबसे कम। ऑप्शन नंबर सी बस्तर में सर्वाधिक, रायपुर में सबसे कम। या फिर ऑप्शन नंबर डी रायपुर में सर्वाधिक और कांकेर में सबसे कम। सरगुजा बिलासपुर, सरगुजा बस्तर, बस्तर रायपुर या फिर रायपुर और कांकेर, इन चारों में से हमारे वो कौन से दो जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और सबसे कम हुई है, ये वाला पेयर आपको क्या करना है यहां से चूज करना है। तो आंसर हमारे पास में हो जाएगा सरगुजा और बिलासपुर। सरगुजा वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक मतों का क्या किया गया है, मतों को दिया गया है, यानी कि मत अधिकार का उपयोग किया गया है। और बिलासपुर वो जगह है जहां पर न्यूनतम क्या किया गया है, मत अधिकार का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि दर की गई है, मतलब पिछला क्वेश्चन जो था वो इस साल के बारे में पूछ रहा है, 2024 में सर्वाधिक मत कहां पर पड़े हैं या फिर न्यूनतम मत कहां पर दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पूछना चाह रहा है किस लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि हुई है, मतलब 2019 में कितनी प्रतिशत थी और 2024 में कितनी प्रतिशत हो गई है। तो सर्वाधिक किस लोकसभा सीट में 2019 से लेकर के 2024 तक में प्रतिशत वृद्धि बढ़ रही है, वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए रायपुर, दूसरा बिलासपुर, सी दुर्ग या फिर डी सरगुजा। ये सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इस साल होने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पिछला क्वेश्चन सर्वाधिक मत किस लोकसभा में पड़े, न्यूनतम मत किस लोकसभा में पड़े, पिछले बार से लेकर के इस बार के लोकसभा चुनाव में या फिर आम चुनावों में कौन सी लोकसभा सीट में सर्वाधिक वृद्धि दर रही है मतों के प्रतिशत की, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या सरगुजा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या सरगुजा, तो यहां से आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरगुजा, यानी कि सर्वाधिक मत भी इस बार सरगुजा में ही पड़े हैं और सरगुजा में सर्वाधिक क्या हुआ है, वृद्धि दर भी रही है पिछले बार से लेकर के इस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 के चुनावों की तुलना में किस लोकसभा सीट पर डाले गए वोटों में कमी दर्ज की गई है, मतलब 2019 में जितने वोट्स डाले गए थे उससे कम वोट्स डाले गए हैं 2024 में, ऐसा कौन सा लोकसभा सीट है ये आप लोगों को बताना है। ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी कांकेर या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा लोकसभा सीट है जहां पर पिछले बार की तुलना में इस बार वोटों की कमी आई है, मतलब कम वोट डाले गए हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट, दुर्ग लोकसभा सीट, कांकेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां हमारे लिए ये एक ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के 11 के 11 जो लोकसभा सीट्स हैं वहां पर मतदान बढ़ा है, कहीं पर भी कम नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Who amongst the following is joint chief electoral officer of sweep? यानी कि निम्न में से छत्तीसगढ़ में स्वीप जो कार्यक्रम है उसके संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। सबसे पहले तो आप लोग स्वीप का फुल फॉर्म बताएंगे, SVP।
ईईपी। इस ट्रीप का आप लोग क्या करेंगे, फुल फॉर्म बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, किसी भी वनडे एग्जाम में ये टकरा सकता है आप लोगों से। तो आप लोगों को बताना है ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है हमारे छत्तीसगढ़ में, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है जो स्वीप कार्यक्रम के क्या है नोडल ऑफिसर है। ए रीना बाबा साहब कंगाले, बी पी एस ध्रुव या फिर सी के आर नारायण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। रीना बाबा साहब कंगाले, पी एस ध्रुव, के आर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन है वो व्यक्ति जो स्वीप कार्यक्रम के क्या है जे सी ई ओ है, जे सी ई ओ। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक तंत्र है, जो हमारा क्या करती है चुनाव करवाती है, वो है सबसे ऊपर में होते हैं हमारे सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। ये वर्तमान में कौन है आपकी रीना बाबा साहब कंगाले। इनके अंडर में होते हैं दो जॉइंट सीईओ या फिर संयुक्त जॉइंट सीईओ, संयुक्त। इसके बाद में एक जो आपके जॉइंट सीईओ होते हैं वो आपके नॉर्मल जो प्रशासनिक तंत्र है या आपका नॉर्मल जो निर्वाचन के सभी दायित्व है उनको निभाते हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं वो केवल और केवल स्वीप जो कार्यक्रम चलाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, उसके क्या होते हैं सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। जो आपके वर्तमान में बाकी आपका स्वीप को छोड़ करके बाकी निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको संभालने वाले ज्वाइंट सीईओ हैं वो है पी एस ध्रुव, जबकि जो ज्वाइंट सीईओ हैं आपके स्वीप कार्यक्रम के वो है के आर सिंह। इनके बाद में इन पीएस ध्रुव के लिए या फिर जॉइंट सीईओ के लिए हमारे पास में दो डेप्यूटीज आ जाते हैं, एक डेप्यूटी सीईओ यानी कि उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे आ जाते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर उप संचालक, जो होते हैं वित्त के, फाइनेंसेस के। और इन दोनों की सहायता के लिए एक क्या किया जाता है असिस्टेंट, असिस्टेंट सीईओ या फिर ये हो जाते हैं आपके कौन सहायक, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। तो ये आपका वो प्रशासनिक तंत्र है जो आपके छत्तीसगढ़ में क्या करेगा इलेक्शन कराएगा। ये आपके इनके नीचे में फिर आ जाएंगे आपके जिला रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह सब आ जाएंगे। ये सबसे क्या है आपकी प्रशासनिक तंत्र है ऊंची, है ना। तो यहां से हमारे पास में ऑप्शन आ गया स्वीप के जो जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो कौन है, ऑप्शन नंबर सी के आर सिंह। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा आरक्षण के मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार को सिफारिश करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। हमको मालूम है सन 2011 में तत्कालीन जो रमन सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को कम हटाते हुए छत्तीसगढ़ में 58% का क्या कर दिया था आरक्षण लागू कर दिया गया था। तभी से हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवादों में है। सन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया खारिज कर दिया, या फिर हम इसे बोले असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। फिर इसके अगेंस्ट में हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार की विधायिका थी उसने एक अलग ही आरक्षण का अपना क्या विधायिका से पारित करा करके वो 76-78% पता नहीं कितना आरक्षण कर दिया। तो ये सारे मामलों को समझने के लिए और सरकार को रिकमेंड करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। आपका सवाल यही है कि वो जो 5 सदस्यीय समिति है जिसे रिजर्वेशन के लिए बनाया गया है वो कौन किसकी अध्यक्षता में है। ऑप्शन ए संगीता सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी गजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर सी रामचार नेताम या फिर ऑप्शन नंबर डी गुरु खुशवंत साहिब।
इनमें से कौन वो व्यक्ति है जिनकी अध्यक्षता में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम अ फाइव मेंबर कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड टू रिकमेंड गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन द मैटर ऑफ रिजर्वेशन। ए संगीता सिन्हा, बी गजेंद्र यादव, सी रामचरण नेतन या फिर गुरु खुशवंत। आप लोग इसका जवाब देंगे। तो इसका आंसर आप लोगों के पास में हो जाएगा राम विचार नेताम। इस समिति को क्या कहा जा रहा है? नेताम समिति, नेताम कमेटी। और इन्हें 2 साल के अंदर अपना रिपोर्ट देने को कहा गया है। विदिन 2 ईयर्स इन्हें क्या देने को कहा गया है? अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को देने को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन बी इज रिलेटेड टू, मिशन बी किससे संबंधित है? घने क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन, मानव हाथी संघर्ष वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मधुमक्खी पालन का एक द्वितीय व्यवसाय, या फिर उत्तरोक्त में से किसी में नहीं, है ना। तो हाल ही में केदार कश्यप जो आपके छत्तीसगढ़ के जलवायु एवं पर्यावरण मामले के मंत्री हैं, उन्होंने अपना क्या किया है? हरियर छत्तीसगढ़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और उन्होंने बोला है लगभग आपका 2500 हेक्टेयर में, अप्रोक्सीमेटली 2500 हेक्टेयर में सन 2024-25 में लगभग 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। 20 लाख से ज्यादा क्या लगाए जाएंगे? पेड़ लगाए जाएंगे। और साथ में उन्होंने इस मिशन बी के बारे में भी क्या किया है? अपना अनुवाद बताया है। तो ये जो मिशन बी है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। घने वनों में मधुमक्खी पालन यानी कि बी कीपिंग इन डेंस फॉरेस्ट रीजन्स, ऑप्शन नंबर बी, बी कीपिंग इन एरियाज ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी, बी कीपिंग इन सेकेंडरी, बी कीपिंग एज अ सेकेंडरी बिजनेस फॉर फार्मर्स ऑफ छत्तीसगढ़, या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी कीपिंग इन एरियाज ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। छत्तीसगढ़ के 7 ऐसे जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पर मानव और हाथियों का संघर्ष सर्वाधिक चल रहा है। हम मानवों की विकासात्मक गतिविधियों के कारण जंगल की कटाई से जो हमारे जंगली जीव जंतु हैं उनके हैबिटेट का क्या हो गया है? डिस्ट्रक्शन हो गया है। उनके आवास का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, जिसके कारण कंटिन्यूअसली एक मानव और हाथी संघर्ष हमें देखने मिल रहा है। ऐसे तो मानव और जीवों का संघर्ष हमें बहुत लंबे समय से देखने मिल रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है मिशन बी किसके लिए? मानव और हाथी संघर्ष के लिए, क्योंकि 7 जिलों में बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है हाथियों और मानव के संघर्ष में। तो उन 7 जगहों में जो एरिया ऑफ ट्रांजिशन होगा, मतलब जो गांव शहर के एरियाज होंगे और जंगलों का जो बफर जोन होगा, वहां पर क्या करा जाएगा? लोगों को मधुमक्खी पालन के प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उस मधुमक्खियों के डर से हाथी क्या ना करें, शहरों में प्रवेश ना करें। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 13। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ माइग्रेटरी बर्ड एशियन ओपन बिल स्टॉक इज सीन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल स्टॉक देखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनसून से जस्ट पहले ये माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं, प्रवासी पक्षी जो होती हैं, बहुत सुंदर पक्षी होते हैं, हजारों की संख्या में ये हमारे छत्तीसगढ़ के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आकर के रहती हैं, और इनके आने से ऐसा माना जाता है कि अब छत्तीसगढ़ में मॉनसून का आगमन हो गया है। सो दे आर एन इंडिकेशन ऑफ मॉनसून अराइवल इन छत्तीसगढ़, है ना। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए महासमुंद, बी दुर्ग, सी रायपुर या फिर डी धमतरी। इनमें से वो कौन सा ऑप्शन होगा जहां पर क्या होते हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स हमें देखने मिलते हैं? महासमुंद, दुर्ग, रायपुर या फिर धमतरी। जवाब देंगे इसका आप लोग। तो इसका आंसर आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धमतरी। धमतरी में हमारे पास कौन सा डैम है जो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा डैम है? वो है आपका गंगरेल बांध, गंगरेल डैम, है ना। और इसे ही एक और किस नाम से जाना जाता है? पंडित रविशंकर सागर, है ना। और ये छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है।
कौन सी नदी पर है ये महानदी पर है, और इसमें क्या है एक बहुउद्देशीय परियोजना भी चलती है जिसके माध्यम से क्या होता है यहां का पानी आपके फार्मर्स के लिए इरिगेशन के लिए भी दिया जाता है ना, और साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज के लिए भिलाई स्टील प्लांट को भी दिया जाता है। तो यही जो आपका गंगरेल बांध है इसका जो डुबान का क्षेत्र है वहां पर इन लोगों के लिए क्या हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही उक्त क्या बन जाता है माहौल बन जाता है, इसलिए ये लोग क्या हो जाते हैं जहां पर अपना प्रवास कर लेते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर हो गया डी। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में खल्लारी देवी का मंदिर है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर होगा। खल्लारी देवी का मंदिर कहां स्थित है, ए महासमुंद, बी दुर्ग, सी रायपुर या फिर डी धमतरी। ए महासमुंद, बी दुर्ग, रायपुर या फिर धमतरी। तो खल्लारी देवी का मंदिर भीम खोज नामक एक गांव में है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि अपने वनवास के समय पर, अज्ञातवास के समय पर जो पांडव थे वो यहां पर आकर के निवास करते हैं। इस भीम खोज गांव में एक पहाड़ है और इस पहाड़ की चोटी में ऐसा माना जाता है कि जो भीम है उसका राक्षसी किसके साथ में, हिडिंबा के साथ में विवाह हुआ था, और यहां पर ही इसी चोटी पर ही स्थित है आपका क्या खल्लारी देवी का मंदिर। और ये जो भीम खोज है ये आपके ऑप्शन नंबर ए महासमुंद में है। तो खल्लारी देवी का मंदिर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महासमुंद में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2024 के पर्यावरण संरक्षण वीरांगना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए सावित्री राठौर, बी पूनम साधु, सी मेघा वर्मा या फिर डी सरिता पैकरा। इनमें से किसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर 2024 दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण वीरांगना का अवार्ड दिया गया है, महिला सशक्तिकरण प्लस महिला सशक्तिकरण प्लस पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह दिया गया है अहिल्याबाई होलकर जी 300वीं जयंती पर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये कौन है, सावित्री राठौर, पूनम साधु, मेघा वर्मा या फिर डी सरिता पैकरा। तो इसका आप लोगों के लिए आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर डी सरिता पैकरा। ये छत्तीसगढ़ के अचानक मार जो टाइगर रिजर्व का रेंज है वहां पर क्या है फॉरेस्ट गार्ड है, ये फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक है, और साथ में यहाँ का जो डॉग स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड की ये क्या है इंचार्ज है सरिता पैकरा। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हमारे लिए आंसर, सरिता पैकरा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन द यंगेस्ट कैडेवर डोनर ऑफ छत्तीसगढ़। निम्न में से छत्तीसगढ़ का कौन सबसे युवा शवदाता बन गया है, मतलब ब्रेन डेड घोषित होने के बाद में अपने ऑर्गन डोनेट करने वाला, छत्तीसगढ़ के सबसे यंगेस्ट व्यक्ति कौन बन गए हैं, क्या ये सूरज साहू हैं, कोमल पांडे हैं, या फिर प्रखर साहू है या फिर विकास देवांगन है। सूरज साहू, कोमल पांडे, प्रखर साहू या फिर विकास देवांगन। तो ये हमारे कोरबा जिले के 10 वर्षीय बालक प्रखर साहू, जिनका एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो गया निधन हो गया। निधन होने के बाद में उनके माता पिता ने डिसाइड किया कि उनके ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया जाएगा, और इनके ऑर्गन डोनेशन के कारण 10 लोगों को क्या मिल गई है, एक नव जीवन मिल गया। इनका इनके आई बॉल से लेकर के इनके कॉर्निया, इनके हार्ट के वॉल्व, इनके लीवर, इनके किडनीज,
सब चीज को ट्रांसप्लांट कर दिया गया है 10 अलग अलग लोगों में। तो एक ये बहुत ही जबरदस्त मिसाल हमारे लिए हमारे छत्तीसगढ़ में बनाया है किन्होंने, ये सूरज साहू, जिनके पुत्र हैं कौन, सूरज साहू के पुत्र हैं प्रखर साहू, और ये कोरबा जिले से बिलोंग करते हैं, कोरबा जिले के निवासी हैं। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कौन, ऑप्शन नंबर सी, प्रखर साहू। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम लोग क्या कर रहे हैं इसको काफी टाइम से डील कर चुके हैं, ये बार बार टकरा रहा है, मतलब यह क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ कबड्डी लीग का आयोजन 2024 में कहां किया गया, ऑप्शन नंबर ए रायपुर, ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर, ऑप्शन नंबर सी सरगुजा, या फिर ऑप्शन नंबर डी बस्तर। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, तो इसका सीधा साधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बस्तर, सॉरी बिलासपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगरेल बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बेसिक जीएस का क्वेश्चन है ये आपका। हाल ही में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ओपन बिल स्टॉक, उनको देखने के कारण ये क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स में कंटिन्यूअसली बना हुआ है, गंगरेल बांध, और इसीलिए हमने एक बेसिक क्वेश्चन भी यहां से उठा लिया है। गंगरेल बांध की जल विद्युत क्षमता कितनी है, 40 मेगावाट, 10 मेगावाट, 120 मेगावाट या फिर 7 मेगावाट, 40 मेगावाट, 10 मेगावाट, 120 मेगावाट या फिर 7 मेगावाट। तो हम सभी को पता है जो गंगरेल बांध है जो धमतरी में है, पंडित रविशंकर सागर भी बोला जाता है, यहाँ पर ढाई ढाई के कितने, 4 यूनिट्स लगाए गए हैं ढाई ढाई मेगावाट के, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है क्या सही, 10 मेगावाट। ये जो 120 मेगावाट है ये कहाँ का है, मिनी माता हसदेव बांगो का जो परियोजना है आपका, जहां पर 40:3 है, 40:3 यानी कि 120 मेगावाट हो जाता है, और वहीं पर आपका सिकासार परियोजना है, ये है आपका हसदेव बांगो मिनी माता डैम, दूसरा आपके पास में हो जाता है गंगरेल, और गंगरेल में कितना है आपके पास में 2.5:4 यानी कि 10 मेगावाट। इसके बाद में तीसरा आपके पास में गरियाबंद का सिकासार, सिकासार परियोजना में कितना है आपका 3.5:2 यूनिट्स यानी कि ये हो जाता है कितना 7 मेगावाट, और इन सभी के साथ में एक और है आपके पास में कोरबा पश्चिम एक्सटेंशन, कोरबा वेस्ट एक्सटेंशन, यहां पर आपका 0.75 मेगावाट के 2 यूनिट्स लगे हैं यानी कि कितना हो जाएगा ये 0.70 के 2 लगे हुए हैं, 70 मेगावाट के 2 लगे हुए हैं, और इसलिए ये 1.40 मेगावाट हो जाएगा। और जब इन सभी को आप लोग जोड़ देंगे तब आप लोगों के छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के जो जल विद्युत क्षमता है वो हो जाएगी कितनी, 120 मेगावाट प्लस 10 मेगावाट प्लस 7 मेगावाट और प्लस कितना 1.40, तो ये टोटल हो जाएगा आपका कितना 138.4 मेगावाट। ये वो है जो आपके जल विद्युत से क्या होता है उत्पन्न होने वाला आपका कुल क्षमता है छत्तीसगढ़ का, है ना, बेसिक जीएस का पार्ट है। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन था गंगरेल बांध की जल विद्युत क्षमता कितनी है, उत्पादन क्षमता 10 मेगावाट की है। आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग डैम्स विद देयर कैपेसिटी, वही हमारा क्वेश्चन है, एक तरफ मिनी माता, एक तरफ गंगरेल और सिकासार बांध के बारे में दिया है, दूसरी तरफ उनकी जो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो दी गई है, और आपको क्या करना है मैच द फॉलोइंग करना है। अब भी हमने देखा जो मिनी माता है वो 120 मेगावाट जनरेट करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो गंगरेल है वो 10 मेगावाट करता है, और जो सिकासार है वो कितनी करती है 7 मेगावाट करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास
3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, महासमुंद के खल्लारी मंदिर में किस अवसर पर मेला लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आपका जो खल्लारी मंदिर है ये वर्तमान में क्या बना हुआ है, आपके न्यूज में कंटिन्यूअसली बना हुआ है। वहां पर क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है जो खल्लारी मंदिर का है ना, इसलिए ये कंटिन्यूअसली न्यूज में बना हुआ है। अब आप लोगों को बताना है इस खल्लारी मंदिर जो महासमुंद में है इसमें कब मेले का आयोजन किया जाता है, चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी, वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी, चैत्र पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा। चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी, वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी, चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। तो यहां से आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, यानी कि प्रत्येक वर्ष चैत्र पूर्णिमा को महासमुंद के खल्लारी मंदिर में क्या मनाया जाता है, एक मेले का आयोजन किया जाता है, और साथ साथ चैत्र और क्वार, चैत्र और क्वार में होने वाला जो नवरात्रि है, इन दोनों नवरात्रि में यहां पर क्या किया जाता है, भव्य रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर खत्म होता है हमारे लिए आज का एमसीक्यू सेशन। कल हम फिर से आप सभी के सामने उपस्थित होंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेकर के, और परसों हम उसके ऊपर क्या करेंगे डील, उनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल में बने रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।